This conference will now be recorded. ओके जी बेटा जी, आइट्रेशन का जो मतलब है ना, वो होता है कि उसको आप एक ही प्रोसेस को बार बार कंटिन्यूअसली चला के देखते हैं और मोर एंड मोर सॉल्यूशंस निकालते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग में जब आप कॉर्नर पॉइंट सॉल्यूशंस निकालते हैं तो आप आइट्रेट ही करते हैं ना, बारी बारी कोऑर्डिनेट्स को पुट करके देखते हैं. तो आइट्रेशन से क्या होता है, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को ड्रॉ करते हैं. आइट्रेशन का मतलब होता है रेपिटेशन. Got it? Okay, great. Sure. So, coaching और mentoring आपने कहा था ना, अपना ये था ना हमारा area discussion का आज. तो अभी हम coaching और mentoring को discuss करेंगे mainly, और उसके बाद फिर हम discuss करेंगे इसी chapter के कुछ questions को जो कि अभी तक आ चुके हैं so far. ठीक है? अच्छा जी, तो मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके गुड, वेलकम बैक. तो ये कोचिंग और मेंटोरिंग का एक एरिया था जो डिस्कस करना है सो फार, और इसके बाद फिर देखते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस भी रिव्यू कर लेते हैं. ठीक है? कोचिंग में और मेंटोरिंग में डिफरेंस, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. व्हाट इज द की डिफरेंस, और इसका डिफरेंस जो है, बल्कि मैं आपके सामने एक टेबल में कंस्ट्रक्ट करता हूँ. आई मे कंस्ट्रक्ट द डिफरेंस इन अ टेबल इन फ्रंट ऑफ यू, तो उससे आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी ये क्वेश्चन अपेयर हो चुका है कोचिंग और मेंटोरिंग के ऊपर. कोच कौन होता है, मेंटोर कौन होता है, इनके रोल्स क्या होते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं. So if I can just construct a table, a quick table, you can just look at it and see. इसमें तीन important questions हैं. एक इनका difference है coaching और mentoring का, दूसरा इसमें important question है coaching का process, और तीसरा इसमें important question है effective mentoring techniques. Heading 4.7 के अंदर ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी. You will find all of these three things in heading 4.7. Okay? तो कोचिंग और मेंटोरिंग का अभी हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे मेनली, इफ माय कंप्यूटर अलाउज मी टू ओपन एमएस वर्ड. दूसरा इसमें फिर आप देख लीजिएगा ये प्रोसेस जो है ना, दिस द प्रोसेस ऑफ कोचिंग, इसके बड़े बेसिक स्टेप्स होते हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कोचिंग कैसे की जाती है और कोचिंग की इफेक्टिव टेक्निक्स क्या होती हैं, और उसके बाद फिर इसमें मेंटोरिंग पे बात आ जाती है. मेंटोरिंग, मेंटोर कौन होते हैं और उनका रोल क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग के अंदर, especially workplace pe mentor ki kitni importance hoti hai, that's very important to understand. Coach can be a mentor, both are possible at the same time. It depends ke kitna developed hai aapka coach ke waaki aapki mentoring kar sakta hai ki nahi kar sakta.
तो अगर आपका कोर्स इतना मेच्योर है, इतना डेवलप्ड है कि वो आपकी मेंटोरिंग कर सकता है, सो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन. ओके, तो पहला क्वेश्चन आया था इसमें आपको एग्जामिनेशन के अंदर, जिसमें एग्जामिनर ने कहा था कि कोच और मेंटोर को डिफ्रेंशिएट करना था. आपने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कोच एंड मेंटोर, तो मैं वैसे तो ये डिफरेंस आपको टेक्स्ट के अंदर भी मिल जाएगा, बट इफ यू कैन जस्ट ड्रॉ अ क्विक डिफरेंस फॉर यू अमंग्स कोच एंड मेंटोर, रादर इट्स द डिफरेंस बिटवीन कोचिंग एंड मेंटोरिंग. ओके, कोचिंग जो है दैट्स अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस. ये टेबल आपके पास आ जाएगा, आप नोट भी कर सकते हैं. तो कोच जो होता है ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, मेंटोरिंग जो है ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. कोचिंग इज फोकस्ड ऑन डेवलपिंग. नजर आ रही है आपको स्क्रीन सामने अपने? जूम कर दूं थोड़ा सा, बेहतर है आप? ओके, तो कोचिंग जो है इसका फोकस होता है डेवलपिंग स्पेसिफिक स्किल, जबकि मेंटोरिंग का जो फोकस होता है दैट इज ब्रॉड फोकस होता है इसका, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट है या फिर करियर काउंसलिंग है. ठीक है, इसका फोकस जब ब्रॉड होता है. कोचिंग जो है इट डिमांड्स इमीडिएट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, मेंटोरिंग डज नॉट डिमांड इमीडिएट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट. ओके, कोच जो होता है ही इज समवन इन द रिपोर्टिंग लाइन ऑफ द एम्प्लॉई. मेंटोर मे और मे नॉट फॉल इन द रिपोर्टिंग लाइन ऑफ द एम्प्लॉई. ओके, इज इट क्लियर? कोचिंग हैज अ स्पेसिफिक प्रोसेस टू फॉलो, मेंटोरिंग हैज नो प्रोसेस टू फॉलो. डन जी? क्लियर? सो ये की डिफरेंसेस हैं, यू कैन जस्ट टेक द स्नैपशॉट या लेक्चर रिकॉर्डिंग में भी आपके पास आ जाएंगे. इसको मैं टेबल को आप बेशक इमेज लेके फेसबुक पे ग्रुप पे भी डाल दीजिएगा. ठीक है, सो दैट्स अ वेरी क्लियर डिफरेंस बिटवीन द कोच एंड मेंटोर. ये पहला इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है जो कि आया था, ऑलरेडी टेस्ट हुआ था एग्जामिनेशन में कि कोचिंग और मेंटोरिंग का डिफरेंस क्या होता है. तो यू वर रिक्वायर्ड टू टॉक अबाउट दैट हु इज अ कोच एंड हु इज अ मेंटोर. कोच कौन होता है, मेंटोर कौन होता है, दोनों के रोल्स क्या होते हैं, व्हाट डू दे डू बोथ, ये क्या करते हैं दोनों. ठीक है, सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन कोच. शॉर्ट टर्म इसलिए है कि एक स्पेसिफिक स्किल की हम बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोचिंग की जाती है एक हफ्ते के लिए, कोचिंग की जाती है एक महीने के लिए. मेंटोरिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. किसी मेंटोरिंग जो है दैट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. ओके, और कंटिन्यूअस प्रोसेस है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, पेरेंट्स आपको कोई ना कोई बात अच्छी सिखा देते हैं, दैट्स मेंटोरिंग. आप अब इस वक्त जो मैं कर रहा हूँ ये कोचिंग है आपकी. रिमेंबर दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लास राइट नाउ इट इज कोचिंग, इट इज नॉट मेंटोरिंग. ओके, हाँ, आइडियल केस सिनेरियो में मैं आपकी मेंटोरिंग भी कर सकता हूँ. मैं आपको कोच भी करूं, मैं साथ साथ आपको मेंटोर भी करूं, ये आइडियल केस सिनेरियो हो सकता है. बट अगेन दैट इज यू नो क्वाइट डिफिकल्ट, लेकिन स्टिल हो सकता है. रिपोर्टिंग लाइन, इफ यू रिमेंबर, चेन ऑफ कमांड की बात हुई थी ना, आपका इमीडिएट सुपरवाइजर, आपका इमीडिएट बॉस, चेन ऑफ कमांड का कॉन्सेप्ट याद है ना आपको? तो रिपोर्टिंग लाइन बेसिकली चेन ऑफ कमांड को ही कहते हैं ना, कि आपका सुपरवाइजर या आपका बॉस ही आपको कोच कर सकता है, कोई आउटसाइडर आपको कोच नहीं कर सकता. इधर योर बॉस और योर सुपरवाइजर कैन कोच यू, नॉट एन आउटसाइडर कोच यू.
फॉर दोज हु आर जस्ट अराइविंग, हम कोच और मेंटोरिंग का डिफरेंस समझ रहे हैं, जहाँ पे हमने डिस्कशन को क्लोज किया था लास्ट टाइम, याद होगा आपको. सो वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कोचिंग एंड मेंटोरिंग. सो ये मैंने एक क्विक टेबल ड्रॉ किया है, यू कैन जस्ट टेक अ क्विक स्नैपशॉट. इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हैं, तस्वीर खींच लें बेशक, या इसको आप प्रिंट स्क्रीन कर लें, या अगर आप अपने कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप, तो वहाँ से ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा. ठीक है. सो कोचिंग शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, मेंटोरिंग लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. कोचिंग इज फोकस्ड टू डेवलप अ पर्टिकुलर स्किल, जबकि मेंटोरिंग का ब्रॉड फोकस होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करते हैं, करियर काउंसलिंग करते हैं. कोचिंग डिमांड इमीडिएट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, मेंटोरिंग डज नॉट डिमांड इमीडिएट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट. कोच कौन होता है? ही समवन इन द रिपोर्टिंग लाइन ऑफ द एम्प्लॉई. मेंटोर मे और मे नॉट फॉलो इन द रिपोर्टिंग लाइन. कोचिंग हैज अ स्पेसिफिक प्रोसेस टू फॉलो, मेंटोरिंग हैज नो प्रोसेस टू फॉलो. ठीक है, नाउ लेट्स गेट बैक टू योर बुक. तो यहाँ देखें, ये कोचिंग को डिफाइन किया गया है. कोचिंग इज अ शॉर्ट टर्म प्रैक्टिस एमिंग एट इम्प्रूविंग अ स्पेसिफिक स्किल, ये इसकी डेफिनेशन है. ये मैं बात कर रहा था प्रोसेस की, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कोचिंग. सबसे पहले आप लर्निंग टारगेट्स को सेट करते हैं, लाइक जो आपका ट्रेनी है उसके टारगेट्स क्या होंगे. फिर आप एक सिस्टम डिफाइन करते हैं, आप एक प्लान इस्टेब्लिश करते हैं टू एग्जीक्यूट द लर्निंग प्रोसेस. डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है ये एक बड़ा सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, इसको आप वैसे से नहीं मतलब इंड्यूस कर सकते. इसमें फॉर्मल ट्रेनिंग कोर्सेज भी आप ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसमें आप ऑन जॉब ट्रेनिंग का बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ऑन जॉब ट्रेनिंग अलाउ एम्प्लॉइज टू बी ट्रेंड वाइल दे आर डूइंग द जॉब ऑन एट द वर्क प्लेस. फिर इसके अंदर आप एम्प्लॉइज के जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को डिटर्मिन कर सकते हैं, उसके आप एरिया ऑफ एक्सपर्टीज को डेवलप कर सकते हैं. लाइक किसी भी कोचिंग प्रोसेस के अंदर जो प्राइम पर्पस होता है, दैट इज टू इम्प्रूव द नॉलेज एंड द एरिया ऑफ एक्सपर्टीज फॉर द एम्प्लॉय. ठीक है ना. मेंटोरिंग के अंदर बेसिकली ऑन द अदर हैंड इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. मेंटोर कौन होते हैं? ट्रस्टेड एडवाइजर होता है, समवन हु कैन गिव यू सम एडवाइस, नॉट नेसेसरली पार्ट ऑफ योर रिपोर्टिंग लाइन, आपकी रिपोर्टिंग लाइन में फॉल नहीं करता. मेंटी क्या करता है? करियर स्पॉन्सरशिप दे सकता है आपको, मतलब मेंटोर मेंटी को करियर स्पॉन्सरशिप देता है, उसे नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट्स के साथ एक्सपोज करता है, उसको उसका लिसनिंग पोस्ट बनता है. बेसिकली लिसनिंग पोस्ट कहते हैं समवन हु कैन लेंड यू ईयर्स. लिसनिंग पोस्ट हम उसे कहते हैं जो आपको अपने कान धर सके, मतलब समवन हु लिसंस टू यू. ठीक है. मेंटोर कैन बी एन ओल्ड वाइज मैन, अ टीचर, अ काउंसलर, अ रोल मॉडल, एनीवन कैन बी अ मेंटोर, अ टीचर फॉर एग्जांपल, योर पेरेंट्स. अदर साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी होते हैं मेंटोरिंग के अंदर, फॉर एग्जांपल बिलोंगिंग बढ़ती है आपकी, फ्रेंडशिप आपकी डेवलप होती है. ठीक है ना. तो दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी डिस्कस हुआ था, टेक्निक्स टू बी एन इफेक्टिव मेंटोर. आपके जो इफेक्टिव मेंटोरिंग की टेक्निक्स है वो क्या हो सकती है. तो ये कुछ चार इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप डिस्कस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मेंटोर जो होता है वो अनसॉलिसिटेड कॉल्स देता है मेंटी को. अनसॉलिसिटेड कॉल का मतलब क्या है? लाइक समथिंग दैट इज नॉट रिक्वेस्टेड फॉर, जिसको आपने डिमांड नहीं किया, मतलब ऐसे ओकेजनल हाई हेलो कर लेना, ओकेजनल फोन पे बात कर लेना, दैट इज अनसॉलिसिटेड कॉल. तो जो मेंटोर होगा ना वो हमेशा इस तरह का रिलेशनशिप बिल्ड करेगा जिसमें कोई फॉर्मल इस तरह का लेवल नहीं होगा. वो आपको कभी भी कॉल कर सकता है, आप उसे कॉल कर सकते हैं व्हेनेवर यू आर फीलिंग लाइक. जैसे मैं आपको एनकरेज करता हूँ कि आप मेरे साथ कम्युनिकेट किया करें आउटसाइड द क्लासरूम सेटिंग, लेट्स से, सो दैट कैन बी अ प्रोसेस ऑफ मेंटोरिंग. ठीक है. नर्चरिंग द मेंटी, नर्चर करता है, ग्रो करता है उसको. म्यूचुअल रिस्पेक्ट डेवलप करना. Responding to the mentee's need, mentee की जो specific needs होती हैं उनको respond करना. So all of these are the ways, the things in which a mentor can work. ये वो तरीके हैं जिनमें एक mentor effectively काम कर सकता है. ठीक है ना. ये अलग से question आया था paper में, this was a separate question. और coaching और mentoring का जो difference था ये एक अलग question था. अभी हम review करते हैं, देखते हैं कुछ questions को, and you would see कि उसमें किस किस तरह के सवाल already आ चुके हैं और further किस तरह के सवाल उसमें expected है. इसके बरक्स जो लीडर होता है उसका जो रोल है, ये तो आपने वैसे पहले भी डिस्कस कर लिया था, गाइड करना, डायरेक्ट करना, फॉर एग्जांपल मेकिंग बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ पीपल नॉलेज एंड देयर टैलेंट. ठीक है. एंड आल्सो डेवलपिंग नॉलेज एंड टैलेंट ऑफ द पीपल, जिसे हम ऑन जॉब ट्रेनिंग कहते हैं. जैसे तो लीडर जो होता है ये दोनों काम कर रहा होता है आपके लिए. ही इज डूइंग द बोथ थिंग्स, ही इज एक्चुअली मीटिंग द बोथ एंड्स. आपको गाइड भी कर रहा है, इंस्पायर भी कर रहा है, डायरेक्ट भी कर रहा है, मोटिवेट भी कर रहा है, आपके नॉलेज को बेस्ट पॉसिबली यूज भी कर रहा है, आपके स्किल टैलेंट को बिल्ड भी कर रहा है. इसी इस पे वैसे भी आगे जाके यू आर गोइंग टू हैव अ कंप्लीट टॉपिक ऑन दैट. सो दैट इज समथिंग व्हिच कैन बी
लेफ्ट फॉर द फ्यूचर डिस्कशन. ठीक है. सो हियर, वालेकुम सलाम नवीद, कैसे हैं? सो हियर वी हैव कंक्लूडेड द फर्स्ट चैप्टर. ठीक है. इट्स वेरी सिंपल टॉपिक, वेरी सिंपल चैप्टर, कोई इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है. हाँ, थेरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, थेरीज से कम इंपॉर्टेंट है स्किल्स का पोर्शन. तो यू शुड बी फोकसिंग मोर ऑन द थेरीज पोर्शन एंड लेसर ऑन द स्किल्स पोर्शन. ओके. मैं इसके साम आपके सामने एक क्विक इसका रिव्यू ले आऊँ पास्ट पेपर्स का. अभी तक किस किस एरिया में से क्वेश्चन पेपर में आ चुका है उसका एक क्विक रिव्यू जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, और फिर उसमें अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम फिर रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस को भी जाकर देख लेंगे. सो इफ आई कैन जस्ट पुल अप द फाइल. जी नवीद, मैं अभी कर देता हूँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं ज़रा ये एक फाइल ओपन कर लूँ, मैं आता हूँ इसके ऊपर. इन द मीन टाइम आप ये टेबल नोट कर सकते हैं, मैं एक टेबल खोल रहा हूँ आपके सामने. दिस इज द की डिफरेंस बिटवीन कोचिंग एंड मेंटोरिंग. ठीक है, देख रहे हैं, टेबल आ रहा है आपके सामने, कैन यू सी इट, नजर आ रहा है जी? हाँ, आप इस टेबल को नोट कर लें. इन द मीन टाइम लेट मी जस्ट पुल सम ऑफ द फाइल्स. ठीक, मैं कुछ फाइल्स यहाँ से निकाल लूँ. इन द मीन टाइम आप इसको नोट करें तब तक. आई मीन पढ़ लें एक दफ़ा यार, स्क्रीनशॉट तो ले लिया, पढ़ लो एक दफ़ा, जस्ट रीड इट थ्रू, ताकि जो कोई क्वेरी है इसको पढ़ के दूर हो जाएगी ऑटोमेटिकली. नहीं होगी तो डेफिनेटली वी कैन डिस्कस अबाउट इट. ओके, सो अभी तक फाइल बेसिकली दो फाइल्स हैं, एक ये क्विक रिव्यू किया हुआ है मैंने, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग. ओके, अभी आप इस कलर कोड को छोड़ दें, बल्कि मैं ये कलर कोड जो है ये अभी रिमूव कर देता हूँ. दिस कलर कोड इज़ नॉट रिक्वायर्ड, अभी तक हमें ये रिक्वायर्ड नहीं है कलर कोड. तो यू कैन जस्ट सिंपली स्किप ओवर दिस कलर कोडिंग. ये इंपॉर्टेंट एरियाज को डिटरमिन करने के लिए मैंने डिफाइन किया था. ओके, कम टू दिस. ये देखें आप, अब इसमें अभी ऑटो में 18 में ओआर में से क्वेश्चन नंबर 8 आया था. ये क्वेश्चन 8 कौन सा था, लेट्स लुक एट इट. दिस इज ऑटो में 18, चले वेरी गुड, दैट्स ग्रेट नवीद. ये देखें जरा क्वेश्चन नंबर 8. ओके, ओआर का टॉपिक आया जी पेपर में आपके सामने. क्या क्या हो रहा है? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग organization suggest and explain the most appropriate OR technique. Skyrise is a real estate developer. It has successfully bid for the construction of a new shopping mall. The project would involve various stages from obtaining permission to actual construction. कौन सा tool है जी OR का? 3 marks. Tool को highlight भी करना है और explain करना है. Which is the tool? If you can just give me the name of the tool. एनी वन, कौन सा टूल अप्लाई होगा यहाँ पे? शाबाश, वेरी गुड, नेटवर्क एनालिसिस. बाकी लोग क्यों चुप थे? डोंट यू रिमेम्बर? नेटवर्क एनालिसिस अप्लाई होगा, बिल्कुल. आपको आइए समझ के ये क्यों ये वाला टूल यहाँ अप्लाई होगा.
यू गॉट इट? किसकी बात हो रही है? प्रोजेक्ट की बात हो रही है, देख रहे, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की बात हो रही है. सो व्हेन यू आर इनटू अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग समथिंग, तो एक्चुअली वी टॉक अबाउट सम टूल, फिर हम टूल की बात करते हैं. गॉट इट? Okay, look at the B1. Ring Limited is planning the production, sale and marketing for a new product line that would require investment at various stages. For this purpose, management of RL is considering various financing options. Hanji, which tool is this? Very good, shabash, game theory. Decision making ki baat ho rahi hai. You see, kitne straightforward 6 marks diye hain unhone aapko. इस तरह के मार्क्स जो होते हैं ना पेपर में, ये बड़े स्कोरिंग होते हैं. रिमेंबर दैट, यू ऑलवेज हैव टू फोकस ऑन सच एरियाज. सो ये अभी रिसेंट का क्वेश्चन था जी, क्वेश्चन नंबर 8 था, सितंबर 18, आपके स्प्रिंग 18 में, स्प्रिंग 18 के अंदर कौन सा क्वेश्चन था इसमें से देखें जरा. ये रोल्स ऑफ मैनेजर, इंफॉर्मेशनल रोल्स आए थे. थर्ड क्वेश्चन था इंफॉर्मेशनल रोल्स पूछे एग्जामिनर ने. ये डॉक्यूमेंट आपको अवेलेबल है, ग्रुप से जाके आप निकाल सकते हैं, मैं अपलोड भी करवा दूंगा आपके एलएमएस पे. दिस डॉक्यूमेंट इज अ वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ लेटिंग यू नो कि किस किस अटेम्प्ट में, किस किस टॉपिक में से कौन कौन सा क्वेश्चन आया था. फिर आप एग्जैक्टली उसी क्वेश्चन को ओपन करके देख सकते हैं वहां से. इज इट हेल्पफुल? नहीं, दे डोंट हैव, बट आई हैव एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड वन. ठीक है, मैंने एक ऑर्गेनाइज की हुई है, मैं इंशाल्लाह वो आपको जल्दी भेज दूंगा. मैं अभी कंपाइल कर रहा हूँ, तो दैट वुड बी सेंट इन अ फ्यू डेज. ठीक है, तो ये बड़ा एक हेल्पफुल डॉक्यूमेंट है, इसको आप जरूर रेफर कर लें. ओके, यू कैन सी दैट थर्ड क्वेश्चन वाज फ्रॉम रोल्स ऑफ मैनेजर्स, यहाँ देख रहे हैं आप. अच्छा, इधर देखें, ऑटम 17 में वेबर टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज पे क्वेश्चन आया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, और मॉस्केंटर की मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी आई थी, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3. ये आया था ऑटम 17 में. स्प्रिंग 17 में रोल्स ऑफ मैनेजमेंट आए थे. बिल्कुल पहले पेज पे रोल्स ऑफ मैनेजमेंट कुछ गिवन है आपको. दोज वर टेस्टेड, मैनेजमेंट के रोल्स क्या होते हैं. और स्प्रिंग 17 में जैसे मैंने आपको बताया था, क्लासिकल और मॉडर्न का डिफरेंस आया था. कोई थ्योरी नहीं आई थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरेंस आ गया था क्लासिकल का और मॉडर्न का. इसी तरह और पीछे मूव अगर आप करें, तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का के ऊपर आई थी एक डिबेट छोटी सी. ठीक है, ये वो था, दिस वाज दैट एरिया आई टॉक्ड यू अबाउट ना, ग्रोइंग रीजंस फॉर ब्यूरोक्रेसी, वो इसमें आया था. ठीक, पर यहाँ पे ये जो थ्योरी जी की बात हुई थी, रिमेम्बर दैट. This one. So, now you can very clearly see. अब यहाँ देखें, one is the classical one, one is the modern one. देख रहे? यहाँ देखें, one is the classical one, ये Fayol, and one is the modern one, OR. यहाँ देख लें, one is the classical one, Weber, और one is the modern one, X and Y. देख रहे हैं ना? Can you see that? So that is how it works. ये देखें, किसी भी एक अटेम्प्ट के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी थेरी का पोर्शन कवर ना किया हो गया हो. यहाँ पे रोल्स कवर हुए, यहाँ पे ओआर कवर हुई. ठीक है, हाँ, स्किल्स का जो क्वेश्चन है ये अभी तक सिर्फ दो दफ़ा है. एक ये आया था टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, और जो आपको बताया भी था, और एक ये आया था कोचिंग एंड मेंटोरिंग के ऊपर, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट इट. तो स्किल्स के ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी अपेयर हो चुके हैं. सिमिलरली ड्रकर रोल्स, देखें रोल्स पे दो दफ़ा आ चुका है. एक दफ़ा ये आया था, ये इंफॉर्मेशनल रोल्स थे, और एक दफ़ा ये आया था, ये आपके डिसीजन मेकिंग के रोल्स थे. गेटिंग द पॉइंट? आवाज आ रही है ना मेरी सबको क्लियर? ओके ग्रेट. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड दिस इज हाउ इट विल कीप ऑन वर्किंग. यू शुड बी वेरी कंसिडरेट एंड वेरी क्लियर अबाउट. ये देखें जरा, सेकेंड जो आपका चैप्टर है ना, इसमें देखें पूरा पेस्टल का जो मॉडल है वो अभी तक वेकेंट है. दिस इज द मेन एरिया ऑफ एग्जामिनर्स इंटरेस्ट. देख रहे,
ये मेन एरिया है एग्जामिनर के इंटरेस्ट का, यहाँ तक बिल्कुल एम्प्टी, नेवर टेस्टेड एवर। तो इससे आपको ये भी फायदा हो जाता है, आप इससे ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक कब कब, ये देखें दिस इज द एरिया, दिस इज द फील्ड वेयर ही और शी कैन प्ले। इसी अच्छा, ये जो मैंने शेड किया हुआ है ये मैं करता हूँ अटेम्प्ट के लिहाज से, तो इसको भी आप इग्नोर कीजिएगा, ये मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। ये आपके ग्रुप पे भी है ऑलरेडी अवेलेबल, बाकी भी हो जाएगा। डन जी, यहाँ तक चलें, ग्रेट। सो चलो, तो वी आर, बाकी अगर कोई स्टेटमेंट का आप पढ़ें किसी क्वेश्चन की, उसमें अगर ना समझ आए तो यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी, ठीक है। बट आई आई डोंट थिंक सो कि स्टेटमेंट्स इतनी कोई क्रिटिकल होती हैं, स्पेशली थेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आती हैं, थेरीज के अंदर जो है क्वेश्चन वो कोई इतना क्रिटिकल नेचर का नहीं होता, वो स्ट्रेट ही होता है, उसमें कोई सच कोई लेंथी लंबी चौड़ी डिबेट नहीं होती। जी, डेफिनेटली दीज आर फॉर यू, ये चीज़ें आप ही के लिए हैं और आप ही इनको यूज़ करेंगे ऑब्वियसली। मैं आई एम ऑल्सो फोकसिंग ऑन के एक आधी डॉक्यूमेंट ना आपके लिए मैं और प्रोड्यूस कर दूँ, जिसके अंदर कमेंट्स भी ऐड हो। जैसे मैंने, इफ आई कैन जस्ट शो यू अनदर डॉक्यूमेंट, आई एक्चुअली स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट बट आई कुडंट कंप्लीट इट, तो मैं अब इसके बारे में सोच रहा हूँ कि मैं इसको भी कंप्लीट कर दूँ, कि लाइक दिस इज हाउ इट इज। ओके, अब ये देखें, ये फॉर एग्जांपल इसमें अटेम्प्ट है, क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, उसके मार्क्स हैं और उसके ऊपर कमेंट्स हैं, ठीक है। ये अटेम्प्ट वाइज और चैप्टर वाइज ये डॉक्यूमेंट जो है ये अवेलेबल है, मतलब लेकिन अभी लिमिटेड है, इसमें ना अभी कुछ ऐड होने वाले हैं, तो आई विल ऑल्सो कम्प्लीट इट, मैं इसको भी कम्प्लीट कर दूंगा, ठीक है। सो डैट ऑल्सो भी हेल्पफुल, इसमें कुछ 3-4 अटेम्प्ट मिसिंग है अभी, तो उसको भी मैं ऐड कर दूंगा इनशाला। तो दोनों चीज़ें फिर आप आमने सामने रख के कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं, वेयर यू कैन यू नो फील मोर कम्फर्टेबल, मोर ज़्यादा उसमें आपको जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपके बिल्ड हो सकती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। इसमें से कोई क्वेश्चन, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क, एनी आइडिया, एनी कंसर्न? ओके, ग्रेट। इसके बाद जो है ना वो है एनवायरनमेंट के ऊपर डिबेट होती है, एनवायरनमेंट ऑपरेट कैसे करती है, एनवायरनमेंट के अंदर चैलेंजेस कौन कौन से होते हैं, एनवायरनमेंट के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सो दैट्स अ वेरी थॉरो टॉपिक एंड वन ऑफ द मोस्ट लेंथी वन, ठीक। तो इसको रिव्यू करना भी इम्पोर्टेंट है। इसमें से जो इसका ये सेकेंड पोर्शन है ना, लाइक ये द लास्ट वन, जो कंपेटिटिव फैक्टर्स हैं, इसके अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट थेरीज मौजूद हैं, इसके अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मौजूद हैं, और इसके अंदर जो फ्रेमवर्क्स है ना वो बड़े अपना इम्पोर्टेंट है, लाइक इसमें वो स्वॉट एनालिसिस आ जाता है, इसके अंदर जेनेरिक स्ट्रेटजीज आ जाती है माइकल पोर्टर की, इसमें वैल्यू चेन एनालिसिस आ जाती है। वैल्यू चेन वैसे ही बड़ा एक इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस का फिनोमेना है, माइकल पोर्टर का नाम जो है ये स्ट्रेटजी और ऑपरेशंस की दुनिया में काफ़ी मशहूर है, तो इसके जो फ्रेमवर्क्स हैं वो बड़े रिनाउंड हैं, सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। इससे ऊपर ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको यू कैन जस्ट मतलब ऑब्वियसली वी विल गो गो अबाउट इट, लेकिन ये कोई इतना वो नहीं है, डोमिनेंट एरिया नहीं है टू बी टेस्टेड, तो इसको ज़रा हम स्किम करेंगे, स्पेशली इसके अंदर ये जो इकोनॉमिक का पोर्शन है, ठीक है, ये चीज़ें जो कि ऑलरेडी डिस्कशन में आ चुकी होती हैं, मैक्रो माइक्रो, ठीक है, तो इसके ऊपर इतनी को ज़्यादा डिबेट एंटेल्ड नहीं होती, ठीक है ना, द डिबेट इज़ नॉट मच एंटेल्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो इस पे जो डिबेट होगी
वो थोड़ी सी प्रिसाइज होगी, होनी भी चाहिए ऑब्वियसली। और जो फ्रेमवर्क्स है ना, वो कंपेटिटिव मॉडल जो है, जिसमें सॉर्ट है, फाइव फोर्सेस मॉडल बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल है। फाइव फोर्सेस मॉडल कहता है कि इंडस्ट्री कितनी अट्रैक्टिव हो सकती है, कितनी कंपेटिटिव हो सकती है। सो दीज आर मोर इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क। इनफैक्ट इफ यू कैन अगेन लुक एट दिस, जस्ट आई एम जस्ट गिविंग यू अ ग्लिम्प्स। चीजें तो ऑब्वियसली मूव ऑन होंगी। आप ये देख सकते हैं कि इस पोर्शन के अंदर ज्यादा जो डोमिनेंस है, यहाँ पे देखें ये, सो फार यू कैन सी कि ज्यादा डोमिनेंस यहाँ पे पाई जा रही है। देख रहे हैं, दिस इज द एरिया ऑफ डोमिनेंस फ्रॉम हेयर। ऊपर जो एरिया है वो बिल्कुल वेकेंट पड़ा हुआ है। ये देखें, दिस इज द रेड जोन। ये रेड जोन है आपका। जो ऊपर एरिया है ना, दैट इज योर रेड जोन। दिस एरिया इज कंप्लीटली वेकेंट। देख लें आप, नॉट इवन अ सिंगल टॉपिक एवर टेस्टेड। बट दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ दिस टॉपिक। डेफिनेटली इसके ऊपर डिस्कशन जो है वो थ्रो करेंगे, बट ये जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। ओके, सो लेट्स जस्ट इंट्रोड्यूस इट। इसको तो, हाँ ठीक है, इसको बस एक दफ़ा इंट्रोड्यूस, हम लेट्स जस्ट इंट्रोड्यूस इट। इसे हम एक दफ़ा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, फिर इस पे आगे फर्दर जो है डेलिब्रेशन वो फिर हम बाद में करेंगे। ओके तो बात होती है एनवायरनमेंट की अगेन, एज आई से के जस्ट अंडरस्टैंड द की डेफिनेशन। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन एनवायरनमेंट। एनीथिंग दैट फॉल्स बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये उसकी एनवायरनमेंट होती है। कोई भी चीज़ जो एक इदारे की बाउंड्री के बाहर फॉल करे, उसे हम उसकी एनवायरनमेंट कहते हैं। वो चाहे आपके कस्टमर्स हैं, चाहे वो आपके सप्लायर्स हैं, चाहे वो आपके कंपेटिटर्स हैं, चाहे वो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, एनीवन। ठीक है, जो वन वे और द अदर आपको प्रेशराइज कर सके, आप पे प्रेशर मेंटेन कर सके, या वन वे और द अदर आपको चेंज होने पे कंपेल कर सके, दैट इज समथिंग व्हाट वी कॉल एज एनवायरनमेंट। एनीवन दैट फॉल्स बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को स्टडी करने का जो सबसे रिनाउंड मॉडल है वो पेस्ट होता है। ठीक है, दैट्स अगेन एन इम्पॉर्टेंट डिबेट। इसको भी ऑब्वियसली रिव्यूअल प्रोसेस का हिस्सा बनाना है। पेस्ट में फिर आपके पॉलिटिकल लीगल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, सो मेनी फैक्टर्स आर देयर। नहीं, दो डिफरेंट थिंग्स हैं। देखिए, एटमोसफेयर जो है वो तो आबो हवा को कहते हैं, जिसमें आप सांस लेते हैं। एनवायरमेंट जो है वो कोई भी एंटिटी हो सकती है, दैट इज नॉट द एयर इन विच यू ब्रीद। एटमोसफेयर इज प्योर अ जियोलॉजिकल थिंग ना, वो तो जियोलॉजिकल फिनोमेना है। मतलब द एयर इन विच वी ब्रीथ, फॉर एग्जाम्पल द पॉल्यूटेंट्स दैट अफेक्ट अस, ये एटमोसफेयर है। हीट, लेट्स से लाइटिंग, एटमोसफेयर इज समथिंग डिफरेंट, एनवायरमेंट इज समथिंग डिफरेंट। ओके, तो दीज आर टू सेपरेट थिंग्स, यू कैन नॉट कन्फ्यूज दैम। एनवायरमेंट को हम मेजरली बिजनेस के सेंस में यूज करते हैं, बिजनेस टर्म्स में हम इसे डिस्कस करते हैं। ओके चले फिर, आई गेस लेट्स कंक्लूड इट हेयर अभी फॉर नाउ। इसको फिर हम कैच करेंगे दोबारा। ठीक है, आई एक्चुअली ऑल्सो हैव टू अटेंड द मीटिंग, अनदर मीटिंग, तो आप इस पर फिर हम फिर दोबारा कैच अप करेंगे। ठीक है, तो इन द मीन टाइम जस्ट गो थ्रू द अर्लियर थिंग्स, द अर्लियर टॉपिक। उसमें अगर कोई क्वेरी हो, कोई इशू हो, तो जस्ट व्हाट्सएप मी। ओके, हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके जी।